हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी कांदे पोहे से। मराठी में कांदे पोहे भी कहा जाता है और पोहा भी बोला जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, मैंने कांदा कट करके रख दिया है और मैंने 8-10 कड़ी पत्ता ले लिया है और हरी मिर्च, और तड़के में मैं राई ले लूँगी और मूँगफली के दाने। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने पोहे ले लिए हैं, इसे हम भिगो के रख देंगे 2 मिनट के लिए। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इस पानी को हम निकाल देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए, हमारे पोहे मैंने पानी निकाल दिया है। अब इसमें हम तड़के में डालेंगे राई। अब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम चलाएंगे और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए, हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। आपको जितना तीखा खाना आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं हरी मिर्च। अब इसमें डाल देंगे हम कांदे। आप इसी तरह से स्लाइस करके कांदा काटिएगा, पोहे में अक्सर ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे जो कड़ी पत्ते हम लोग लिए थे। कड़ी पत्ता जो है पोहा में, जितना ही ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही स्वाद उसका बढ़िया आएगा। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मीडियम। अब इसमें डाल देंगे हम आधे चम्मच हल्दी। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम पोहा ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से हम सारा मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। हम नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा जो पोहा बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। अच्छे से सारा मिक्स हो चुका है। ये देखिए, हमारा पोहा बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी हमारे देखिए पोहे कितने खिले खिले दिख रहे हैं। ये देखिए, वाह, ये देखिए हमारे पोहे बनके तैयार है। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। ये देखिए, थैंक यू।